हेलो दोस्तों, मेरा कि आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ये टाइटल और थंबनेल को देखकर वीडियो पाया तो बिल्कुल ही सही वीडियो पाया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप एक बीएसएनएल के नए रिटेलर हो या यहाँ पर हो वो एक और रिटेलर और आप यहाँ पे ग्राहक के लिए नया सिम कार्ड यहाँ पर चालू करते हो बीएसएनएल का और फर्स्ट रिचार्ज एफआर यहाँ पर यूज करते हो, इनमें से कोई भी एफआर यूज, जैसे कि यहाँ पर एफआर 108 रुपया का, एफआर 153 रुपया का, एफआर 199 रुपया का, एफआर यहाँ पर 249 रुपया का, ये चार एफआर में से कोई भी एफआर अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर जो अभी तक आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन रिसीव होता आ रहा था इस एफआर के अंदर, उसमें यहाँ पर नया बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन जो है क्या कुछ मिलने वाला है इस एफआर के अंदर, वो मैं आपको आज की वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो अगर आप भी यहाँ पर सिम चालू करते हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करते हो तो यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच नहीं करते तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है नुकसान हो जाए, आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन यहाँ पर आपको कम रिसीव हो या यहाँ पर आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन ज्यादा रिसीव हो। अगर यहाँ पर कम रिसीव होता है तो यहाँ पर आप जो है कस्टमर से कम पैसा लोगे और यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन एफआर प्लान पे ओटीएफ पे आउट कमीशन क्या कुछ अभी दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटा एफआर से। सबसे छोटा एफआर एफआर 108 रुपए का। अगर आप यहाँ पे अभी के टाइम पे नया सिम चालू करते हो बीएसएनएल का और एफआर 108 रुपया यूज करते हो तो यहाँ पर आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन जो रिसीव होगा दोस्तों वो यहाँ पर रिसीव होगा 50 रुपया का। 50 रुपया का ओटीएफ पे आउट कमीशन रिसीव होगा इसके अंदर। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लागत का। तो अगर आप यहाँ पे एफआर यूज करते हो 108 रुपया का तो यहाँ पर जो लागत पड़ने वाला वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लागत पड़ने वाला है। यहाँ पर आपने यूज किया एफआर 108 रुपया का प्लस यहाँ पर आपका सिम जो ब्लैंक सिम यहाँ पर आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से। हो सकता है अलग अलग एरिया में अलग अलग यहाँ पर जो है सिम का चार्ज लिया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो मेरे एरिया में चार्ज लिया जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ। आप यहाँ पे सिम पे कम बेसी चार्ज को कर सकते हो और जोड़ घटाव करके यहाँ पर आप अपना लागत निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मेरे एरिया में लिया जा रहा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है एक सिम कार्ड का ब्लैंक सिम कार्ड का 30 रुपया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने एफआर यूज किया 108 रुपया का एफआर और यहाँ पर प्लस कर देते हैं 30 रुपया सिम कार्ड का ब्लैंक सिम कार्ड का, तो यहाँ पर टोटल लागत हो जाता है यहाँ पर 138 रुपया का। 138 रुपया का यहाँ पर जो है टोटल लागत हुआ और यहाँ पर मेरा जो कमीशन आया वो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 50 रुपया। इसमें 138 में से 50 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो निकल कर आता है एक सिम कार्ड चालू करने का लागत वो यहाँ पर निकल कर आता है दोस्तों 88 रुपया का। 88 रुपया यहाँ पर आपको पड़ने वाला है सिम कार्ड अगर आप एफआर यूज करते हो ये एफआर से 108 रुपया एफआर से। तो आप अपने हिसाब से देख लेना और कस्टमर से इतना चार्ज ले सकते हो जो यहाँ पर आपको लगता है ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकेंड एफआर प्लान के बारे में। यहाँ पर जो सेकेंड एफआर निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है 153 रुपया का। 153 वाला अगर आप एफआर यूज करते हो तो यहाँ पर अब आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन मिलेगा 70 रुपया का। 70 रुपया का ओटीएफ पे आउट कमीशन रिसीव होगा इसके अंदर। और यहाँ पर हम लागत का बात करें तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। आपने एफआर यूज किया 153 रुपया का, प्लस कर दो इसमें आपका ब्लैंक सिम कार्ड का 30 रुपया, यहाँ पर आपका टोटल हो गया यहाँ पर 183 रुपया, और इसमें माइनस कर दो जो आपका कमीशन आया यहाँ पर 70 रुपया। तो यहाँ पर टोटल जो लागत पड़ जाएगा दोस्तों इस एफआर से सिम चालू करते वक्त वो यहाँ पर पड़ जाएगा 113 रुपया। 113 रुपया यहाँ पर आपको जो है खर्च पड़ने वाला है इस एफआर से अगर आप यहाँ पे बीएसएनएल का नया सिम कार्ड चालू करते हो तो। आप अपने हिसाब से कस्टमर से चार्ज ले सकते हो इस एफआर के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर का एफआर प्लान के बारे में। यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो एफआर प्लान निकल कर आता है दोस्तों वो यहाँ पर निकल कर आता है 199 रुपया का। 199 वाला अगर आप एफआर यूज करते हो तो यहाँ पर आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन रिसीव होगा इसके अंदर। यहाँ पर रिसीव हो जाएगा दोस्तों 115 रुपया का। 115 रुपया का यहाँ पर आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें इसका लागत का तो लागत जो पड़ने वाला है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पड़ने वाला है। आपने एफआर यूज किया 199 प्लस उसमें ऐड कर दो यहाँ पर ब्लैंक सिम कार्ड का 30 रुपया, तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 229 रुपया। इसमें माइनस कर दो जो आपको ओटीएफ पे आउट कमीशन हुआ है आया हुआ वो यहाँ पर आ गया है आपका 115 रुपया का। तो यहाँ पर आपका 229 से माइनस करोगे 115 तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 114 रुपया। 114 रुपया यहाँ पर आपको लागत पड़ने वाला है अगर आप इस एफआर से सिम कार्ड चालू करते हो नया सिम कार्ड बीएसएनएल का। आगे हम बढ़ते हैं और लास्ट एफआर प्लान के बारे में जान लेते हैं। लास्ट एफआर प्लान निकल कर आता है चौथे नंबर पे
249 रुपया का। 249 से अगर आप यहाँ पे नया सिम कार्ड चालू करते हो जो मोस्ट पॉपुलर एफआर अभी के टाइम पे चल रहा है, तो अगर आप इससे एफआर यूज करते हो यहाँ पर नया सिम कार्ड चालू करते वक्त, तो यहाँ पर अभी के टाइम पे ओटीए पे आउट कमीशन रिसीव होगा 120 रुपया का। 120 रुपया यहाँ पर आपको ओटीए पे आउट कमीशन रिसीव हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें इसका लागत का, तो यहाँ पर लागत कुछ इस प्रकार से पड़ने वाला है। आपका यहाँ पर एफआर का हो गया 249 प्लस इसमें ऐड कर दो ब्लैंक सिम कार्ड का 30 रुपया, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 279 रुपया। और यहाँ पर आप माइनस कर दो 279 से यहाँ पर 120 रुपया जो आपका ओटीए पे आउट कमीशन आया, तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाता है दोस्तों 159 रुपया। 159 रुपया यहाँ पर आपको जो है लैंडिंग पड़ने वाला है, खर्च पड़ने वाला है इस एफआर से, अगर आप यहाँ पे नया सिम कार्ड बीएसएनएल का चालू करते हो। इसमें यहाँ पर चेंजिंग जो आ सकता है वो यहाँ पर आ सकता है आपका सिम कार्ड का चार्ज, क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। यहाँ पर जो ओटीए पे आउट कमीशन है वो तो यहाँ पर सेम रिसीव होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका सिम कार्ड का चार्ज है हो सकता है इसमें 1900-1900, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना और यहाँ पर माइनस करके अपना लागत निकाल लेना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं चार एफआर प्लान पे ओटीए पे आउट कमीशन जो अभी के टाइम पे दिया जा रहा है, जो नया बदलाव किया गया है, इसके बारे में जानकारी बतलाने वाला था। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर कॉमेंट भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं जाते जाते ये आपसे एक पूछना चाहता हूँ सवाल, कि इनमें से कौन सा एफआर अभी तक आप यहाँ पे करते आ रहे थे, नीचे कमेंट करके बताना कि कौन सा एफआर अभी तक आप करते आ रहे थे, कौन सा एफआर आपको ज्यादा बेस्ट लगता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।